आज जैसा कि पीछे 2 दिन के हमारे पास रिमांड पे था साहिल, और आज भी हमने कोर्ट में पेश करके उसके रिमांड को एक्सटेंड किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में अभी भी हम लोगों को है कि कुछ और सबूत हमें इकट्ठा करने हैं। तो 3 दिन की हमें उसे पीसी रिमांड मिली है। तो क्या सर, मजिस्ट्रेट के घर में पेश किया गया था या कोर्ट में? ड्यूटी एमएम के यहाँ पेश किया गया था, कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन से हम लोगों को रिमांड मिली है। तो 3 दिन की सर आप लोग कोर्ट से मांगी पुलिस कस्टडी, सर क्या इसकी जरूरत पड़ रही है सर? नहीं, इन्वेस्टिगेशन के कई आस्पेक्ट्स हैं जो अभी पूरी तरह से हम लोगों को सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये सब एस्पेक्ट देखने के लिए और कवर करने के लिए हम लोगों ने रिमांड ली। वेपन रिकवर करने के लिए भी सर? देखिए, काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं जो हमें लेने हैं ऑन रिकॉर्ड, तो इन सब को पूरा करने के लिए, चार्जशीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों ने ये रिमांड लिया। तो सर, साहिल के अलावा किसी और की इन्वॉल्वमेंट अभी तक क्या पाई गई है, और कितने लोगों से लगभग पूछताछ आप लोगों ने करी है इस सिलसिले में? देखिए, जो जो जिसका रोल सामने आ रहा है सबसे की गई है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जब हम लोग चार्जशीट अपनी रेडी कर लेंगे तब मैं आपके साथ ज़्यादा जानकारी साझा कर पाऊँगा।